कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछा, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बोला अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब, 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम है। मोहब्बत का शहर है आगरा, जहां से पवन आगरी आते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ पवन आगरी को आमंत्रित करिए, बहुत जोरदार तालियां बजाकर उन्हें बुलाइए। आइए आदरणीय वीर सिंह जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिंदी का इतना बड़ा अनुष्ठान कराया, इतना बड़ा कवि सम्मेलन कराया। आप चाहते तो किसी फिल्म स्टार की नाइट भी करा सकते थे, लेकिन आपको भी पता था कि इतने सस्ते में सिर्फ कवि सम्मेलन ही हो सकता है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है? आपको पता है ना, लोग हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहां है? हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहां है? वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। बात समझ में आ रही हो? तालियां बजा सकते हैं। देखिए ये तो आपका बहुत अच्छा विद्यालय है, लेकिन आजकल जो गली गली में कॉन्वेंट स्कूल खुल गए, वहां किस तरह की पढ़ाई चल रही है? मैं बताता हूँ, मेरे एक भतीज को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछा, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बोला अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब, 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। यह स्थितियां साहब, आप किसी रिक्शे वाले से कही, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। तो हम तो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हम क्या करते थे, 4-5-6 कवियों की जीवनी याद कर लेते थे। उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती है। मुझे लगता है आपने भी ऐसी परीक्षा दी, हमने भी ऐसी परीक्षा दी है। एक लड़का था, दूसरे दिन परीक्षा होनी थी हिंदी की। अब उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार की और उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। वो पर्ची दूसरे दिन पकड़ी गई, वो पर्ची तैयार करी, वो पर्ची पकड़ी। मैं रचना शुरू करता हूं। इस रचना से मैंने सब जो सोनी के सब चैनल पर जो बाबा का मुकाबला था, सेमीफाइनल मुकाबला, उसको मैं जीता था। मैं उस रचना को इसलिए पढ़ के जाना चाहता हूं, हो सकता है आपको मेरी उस कविता, मेरा नाम याद रहे न रहे पवन आगरी, लेकिन कुछ कविता की उस पंक्तियां आपको याद रह जाए तो मुझे मेरा नाम यहां सार्थक हो जाएगा। तो मैं पहली बार इस विद्यालय में आया हूं, मैं एक बार मुझे तालियां साथ कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र हिंदी का आया, प्रश्न पत्र सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बैठ में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक मिल जाएगा। कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक मिल जाएगा। हमें यह देखकर उस लड़के की बुद्धिमता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है, अरे हम सबसे ज्यादा मनस्पर्शी है। यदि यह बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का पढ़ेता बनेगा। यह देखते देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। दोस्तों
प्रांगण में मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ पढ़ना चाहिए। देखिए ये सब बड़े कवि हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं पिछले दिनों मैं विदेश यात्रा पर गया था, बैंकॉक गया था। आप लोग इतने शांत क्यों गया, कवि सम्मेलन में गया था भाई। मैं आपको बताता हूं, बल्जी जी कह रही है सबको पता है क्यों गए थे। ये अच्छी बात है कि आप समझती हैं उस चीज को। मैं आपको बताता हूं, लेकिन साहब जब आदमी चला जाता है और वो लौट के आता है तो पता नहीं कुछ भाव कुछ ऐसे रहते हैं। मैं जब वहां से कवि सम्मेलन करके हम लौट के आए सारे लोग, तो उसके बाद सब हम लौट के आए तो जब भी कोई मोबाइल पर मैसेज लिखा हुआ आता था मैं उसे मसाज पढ़ने लगता था। ये जगह का प्रभाव है। मैं आपको बता, ये सब बड़े लोग हैं, तमाम देशों की यात्राएं इन्होंने की, 50 देशों की यात्राएं करी है। कुमार मनु ने एक बार जोरदार तालियां बजाई इनके लिए। हमारे अलवेला जी इन्होंने 60 देशों की यात्राएं करी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मनवीर मधुर भैया 70 देशों की यात्राएं करिए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और प्रताप फौजदार जी ने तो इतनी विदेश यात्राएं की हैं जितनी मोदी जी ने भी नहीं की, इस बार के लिए जोरदार तालियां। ये संजय खत्री बैठे, मैं आपको बताता हूं सर, इन्होंने भी 10 देशों की यात्राएं की, हालांकि इनका अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है। अरे भाई नेपाल बांग्लादेश ऐसे भी तो कई देश होते, एक बार तालियां बजाइए इनके लिए। बलजीत जी बैठी है 25 देशों की यात्राएं करी है। राधिका मित्तल बैठी है, इन्होंने 30 देशों की यात्राएं करी है। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने भी 10 देशों की यात्राएं करी हैं, क्योंकि नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। तो, लेकिन साहब मैं छोटा कवि हूं, मैंने सिर्फ 5 देशों की यात्राएं करी है, किंतु मैंने वास्तव में की है। तो साहब मैं आपको बता, जब मैं मॉरीशस गया, मॉरीशस के राष्ट्रपति भवन में मेरी सीढ़ी का विमोचन हुआ, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी ने किया था। और उसके बाद वहां का एक गर्ल्स हिंदू कॉलेज था, मुझे वहां पर एक कविता पढ़नी थी। भारत की फिल्में वहां पर काफी लोकप्रिय हैं, तो मैंने उन लड़कियों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। 50% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। फिर मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। मैं इसे अपने देश का दुर्भाग्य कहूं, सौभाग्य कहूं, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी धार्मिक सुंदरी का नाम लिया, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित हैं, 100% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, टीचर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं आपको बताता हूं साहब, अभी एक बहुत बड़े चैनल ने एक बड़ी साहित्यकार उर्फी जावेद को अपने कार्यक्रम में बुलाया, उसको लेकर उस चैनल से दो बड़ी साहित्यकार जो वरिष्ठ साहित्यकार थी, मल्लिका शेरावत और राखी सावंत, उन्होंने चैनल को अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि हम उनसे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमको क्यों नहीं बुलाया गया। यह व्यंग की भाषा, एक बार मैं चाहता हूं तालियां बजाकर मुझे। मैं बताता हूं सर, अब आप कहेंगे मैंने मल्लिका शेरावत को धार्मिक सुंदरी क्यों कहा, धार्मिक महिला क्यों कहा, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर नाशवान है। और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जब यह शरीर नाशवान है तो इसका जितना उपयोग किया जाए कर लो। तब रचना का जन्म हुआ, जब सब टीवी पर वाहवा का मुकाबला हुआ और उस मुकाबले को मैंने जीता था, फिल्म फना और रंग दे बसंती के गीतकार थे प्रसून जोशी जी, उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया था बॉलीवुड, मैंने कुछ पौराणिक संदर्भ उठाए, तब इस रचना का जन्म हुआ। और नारी विमर्श पर तमाम रचनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन इस रचना का समापन मैंने जिस तरह से किया है, मुझे लगता है कि आज के इस दौर में वो रचना बहुत जरूरी थी और उसको पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक बार मुझे आप तालियों से आदेश करें कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया, उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था, सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झेप रहे थे। उस दिन शर्म लाज और हया की छुट्टी थी, अच्छा हुआ महारानी गंधारी की आंखों पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा, बोला इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई,
बोली, अरे तुम मुझे छोड़ कर हस्तिनापुर पर नहीं लड़ रहे हो, अरे सच ही बताओ क्या तुम अंधेपन क्यों नहीं बढ़ रहे? यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, बोले भाई ये काम करो, इस द्रौपदी का चीर हरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी मणिमल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया, तत्पश्चात अपना निर्णय दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है, अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीर नजर नहीं आ रहा है कि मुझे तो आपके शरीर पर चीनी नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमी के दो बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली, बोले यार इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली, अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी, अरे यह द्रौपदी तो हमने गलत दांव पर लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीर हरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अवलाओं के चीर हरण करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत।